हेलो दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं हम लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाइपिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं, टाइपिंग को कैसे आप 10-15 दिनों में इंप्रूव कर सकते हैं और आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैं जो हूँ CRPF SCM, BSF SCM, ITBP SCM, SSC CHSL, FCI, Beltron और नोट प्रेस का टाइपिंग पास कर चुका हूं दोस्तों। उसमें भी क्या 40 प्लस स्पीड ला के पास कर चुका हूं हिंदी में दोस्तों, हिंदी में। लेकिन जब हमें जॉब पड़ा, कभी कभी किसी किसी एग्जामिनेशन में क्या होता है दोस्तों कि हिंदी भी लिया जाता है और इंग्लिश भी लिया जाता है। और किसी किसी एग्जाम में या तो आप चॉइस कर सकते हैं, या हिंदी लीजिए या फिर आप इंग्लिश लीजिए, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप फॉर्म भरने वक्त चॉइस कर चुके हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, वहां पे एग्जाम वही पेपर दे सकते हैं। हिंदी चूज किए तो हिंदी दे सकते हैं, इंग्लिश चूज किए तो इंग्लिश दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चूज हिंदी किए हैं और इंग्लिश देना चाहते हैं तो आप एग्जामिनेशन में भी जाके चेंज कर सकते हैं, वहां पूछा जाता है। अगर आप कॉल्स कीजिएगा तो आपको चेंज कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब हमको बेल्ट्रॉन में हिंदी इंग्लिश दोनों देना था तो मैं वहां पे इंग्लिश का भी दिया, तो मुझे इंग्लिश में हिंदी से कम स्पीड आया था दोस्तों। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, हर एक एग्जाम के बारे में, एक एक करके एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि किस एग्जाम में कितना स्पीड चाहिए और उसका दोस्तों सॉरी सारे एग्जामिनेशन में स्पीड लगभग सेम ही रखा गया है, लेकिन उसका जो मिस्टेक काउंट करने का जो तरीका है वो सारे में डिफरेंट है, जिसके वजह से आपके स्पीड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एक्चुअल स्पीड में। टेंटेटिव स्पीड जो होता है उसको मिस्टेक माइनस करने के बाद उसका जो पेनाल्टी होता है, जो चार्ज काटता है आप गलती करते हैं उसका, उसको माइनस करने के बाद एक्चुअल जो स्पीड आता है आपको वो बहुत ज़्यादा डिफर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो सारे एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। साथ में आपने अगर CISF SCM, दिल्ली पुलिस HCM और SSC CGL, CHSL, NTPC, NBS, CBSE, KBS, बेल्ट्रॉन, CAPF SCM का कोई भी, जैसे कि अभी आया हुआ है CISF, दिल्ली पुलिस आया हुआ है, अभी अपकमिंग वैकेंसी में जैसे कि BSF देने वाली है और CRPF देने वाली है। CRPF थोड़ा लंबे समय से नहीं दे रही है, लेकिन वो बहुत जल्द आ जाएगी उसकी भी वैकेंसी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे एग्जामिनेशन में, और देखिए सारे एग्जामिनेशन में क्या होता है कि स्पीड जो है आपको इंग्लिश वाले के लिए 35 WPS, WPS मतलब वर्ड पर मिनट, ठीक है, WPM वर्ड पर मिनट। ठीक है दोस्तों, एक मिनट में 35 वर्ड मारना होता है, ठीक है, वो आपको 10 मिनट का टाइप लिया जाता है। ठीक है, आगे हम उस पर डिस्कस करते हैं क्या है। और हिंदी वाले के लिए 30 लिया जाता है मैक्सिमम एग्जाम में, यही लिया जाता है। कुछ एग्जाम जो होते हैं स्पेशल केस होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम ले लीजिए, वहां पे क्या होता है इंग्लिश में क्या होता है 40 का स्पीड मांगा जाता है स्पेशल। जैसे दिल्ली पुलिस में देखिए 30 के स्पीड ही मांग रहा है और हिंदी वाले को 25 के स्पीड ही मांग रहा है, लेकिन उसका जो है ना उसमें मार्क्स है। ठीक है, तो उसके उस पर भी डिस्कस करते हैं आगे कि क्या होने वाला है। साथ में दोस्तों मैं आपको लाइव डेमो करके भी दिखाऊंगा एक मिनट का, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, क्योंकि आप लोग के लिए टाइम का तो इंपॉर्टेंस है ही। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक मिनट का टाइप भी करके दिखाऊंगा, पता नहीं मेरा स्पीड क्या आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं टाइप नहीं कर रहा हूं, आप लोग के लिए आज करूंगा। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, लॉकडाउन की वजह से आसपास में आपका कैफे नहीं खुल रहा, तो आप टाइप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, अगर आप कीबोर्ड रखते हैं तो भी आप मोबाइल से भी टाइप कर सकते हैं, और मैं आज आपको मोबाइल से ही टाइप करके दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है, आप लोग आगे देखते रहिएगा। जो लोग नए हैं दोस्तों वो लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बनाने का यही मकसद है, क्योंकि मैं टाइपिंग के लिए तभी बुलाया जाता है जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। मैं सारे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद तब जाके टाइपिंग दिया हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये जो है नोट प्रेस का जो था, जो देवास में लिया था, इसमें पहले सबसे पहले टाइपिंग लिया गया था। दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि हिंदी फॉन्ट कौन सा पूछा जाता है, क्योंकि इंग्लिश तो कॉमन है, इंग्लिश तो कहीं भी कर लीजिएगा सेम ही रहता है, लेकिन हिंदी का फॉन्ट अलग अलग होता है, किस एग्जाम में कौन सा फॉन्ट आता है, क्योंकि मैं इतना दिया हूं तो एक्सपीरियंस तो है ही दोस्तों। एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोग एक जो है ना समझ लीजिए ये क्या है,
मान लीजिए कि एक रास्ता यहाँ है, एक रास्ता आप ए पे स्थान पे और बी पे जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी क्या है शुरुआत कर रहे हैं और आपको ऊपर जाना है, तो आपको कोई ना कोई क्या गाइड की जरूरत होना चाहिए, नहीं तो आप खुद भी जाते हैं। बहुत सारा लोग सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम पास करते हैं कि नहीं करते, तो लेकिन अंतर क्या होता है, देखिए यहां से स्टार्ट करें। जिसके पास जानकारी है, जो आपको जैसे कि मेरे पास जानकारी, मैं आपके साथ शेयर कर दिया, तो आप ये रास्ता एक शॉर्टकट रास्ता था, आप यहां से यहां चले गए। जिनके पास नहीं पता है जानकारी, वो क्या करेंगे, यहां से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, फिर पहुंचेंगे, या इधर जाएंगे ऐसे पहुंचेंगे, या कभी कोई कोई रास्ता ऐसे होगा कि अलग ही चले जाएंगे, आप क्या कीजिएगा भुतला जाइएगा। तो एक गाइड का तब जरूरत पड़ता है जब आपको सही रास्ते और सही जगह पे जाने की जरूरत है। तो दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे सारे एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं खुद दिया हूँ, और रही बात सीआईएसएफ एग्जाम की बात, तो मैं उस समय उस कैंप में था जहाँ एग्जाम चल रहा था, तो मैं वहां पे तो सेंटर के पास जाने नहीं दे रहा था, लेकिन बाहर में जो आता जाता है लड़का उसके उससे मैं बात किया था वहां पे, और सेंटर में अंदर थे, ठीक है, क्योंकि मेरे रिलेटिव हैं उसमें, तो मैं अंदर में, सभी के रिलेटिव होते हैं तो उस पर बात नहीं करते हैं दोस्तों, मैं अंदर था और सभी लोगों को देखा कितना मार्क्स आया था, वो सारे पूछे थे हमने, क्योंकि मुझे भी तो आगे देना था, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देते रहते हैं, तो सारा चीज हमें पता है। आपको चलिए शेयर करते हैं, सबसे पहले क्या शेयर करेंगे आपको कि किस एग्जाम में कौन सा फॉन्ट यूज किया जाता है और कितना स्पीड चाहिए, मिस्टेक कैसे काउंट किया जाता है, साथ में 10 दिनों 15 दिनों में आप तैयारी एग्जाम के समय में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इस सारे चीजों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं इसी पे चर्चा करता हूं कि आप 10 से 15 दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए पहले आपको, अगर हिंदी का कर रहे थे, हिंदी का बहुत ज्यादा की है याद करने का, तो उसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि काम डिफिकल्ट है, अगर क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ ना, नंबर तो लेने नहीं जाता, दिल्ली पुलिस की बात करेंगे नंबर कैसे लेंगे, सो उसमें अलग क्राइटेरिया है, उसमें अलग चीज दिखेंगे। तो आप क्या करो, आपके लिए आसान होगा कि अगर आप लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, जो लोग कर लिए तो उनका तो बात ही छोड़िए, जो लोग नहीं किए हैं आप पहले अगर इजी में करना चाहते हैं तो इंग्लिश का कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में 26 लेटर है, याद करना आसानी होता है दोस्तों, और उसको क्या कीजिए, सिर्फ अभी थोड़ा थोड़ा याद करते रहिए। एक और रिटर्न की तैयारी कीजिए, अगर रिटर्न में अगर जॉब लेना है तो आपको रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर आपको जॉब लेना है तो रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न जो फाइनल रिजल्ट होता है उसे 5-6 नंबर कम भी है ना, तो आपको टाइपिंग के लिए कॉल कर लिया जाता है और आप टाइपिंग देने के लिए जाओगे, ठीक है दोस्तों, टाइपिंग देने के लिए जाओगे तो वहां पे क्या होगा, आप रिटर्न दे के आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा एग्जाम कैसा गया, एग्जाम अच्छा गया होगा, क्योंकि पता चल जाता है, जो भी पढ़ते हैं उनको पता रहता है कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है, मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके बाद आप दिन में 2 से 3 घंटा, और जैसे जैसे रिजल्ट आ जाता है उसके 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, क्योंकि प्रेशर आपको हर एक चीज करवा देता है दोस्तों, आप वहां पे 4-4 घंटा 5-5 घंटा करके आप अपना स्पीड, 10 का स्पीड आ रहा है तो आप 40 के स्पीड तक जा सकते हो, और आपको सिर्फ और सिर्फ 35 के स्पीड ही लाना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह करके ला सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हर एक एग्जाम में, क्योंकि अभी सीआईएसएफ का एग्जाम पहले होने वाला है, तो सीआईएसएफ की बात करते हैं। देखिए दोस्तों CISF में क्या है, CISF में जैसे मैं बताया कि इंग्लिश में 35 का स्पीड मांगता है और हिंदी में 30 का स्पीड मांगता है दोस्तों, इसको नेट एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए क्या क्या किया जाता है दोस्तों, CISF लिखता है कि 5 की डिप्रेशन इज इक्वल टू 1 स्टॉप, मतलब अगर आपको 1 वर्ड लाना है, 1 वर्ड का मतलब वो 5 की स्टॉप मानता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, CHANDRA चंद्रा, PRAKASH ये है, अगर मैं टाइप वहां करता, अगर ये नाम लिखता तो हमको कितना की स्ट्रोक मानना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड मारना है, तो 14 जो मारेंगे, और जो ये जो है बैक स्पेस ये भी की स्ट्रोक, ये की डिप्रेशन में काउंट कर लेगा, ठीक है दोस्तों, और वर्ड इसमें क्या करेगा 14 में, ये तो वर्ड अभी है दो ही है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, इसको 5 से डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 2 प्लस कुछ वर्ड वो मानेगा, क्योंकि 14 वर्ड है, 14 वर्ड एक स्पेस काउंट करेगा, 3 वर्ड वो मानेगा, ठीक है, तो क्योंकि वो एवरेज लेके चलता है, और कभी कभी क्या होता है कि वर्ड भी काउंट कर लेता है, जो मैनुअली चेक होता है उसमें वर्ड काउंट कर लिया जाता है दोस्तों, ठीक है, और सीआईएसएफ क्या करती है, एट ए हैंड, मतलब उसी समय रिजल्ट नहीं देती, आपको कॉपी लेके और
बाद में चेक करके रिजल्ट देती है, तो वो क्या करती है, वर्ड को काउंट करती है। लेकिन नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ रहता है, 5 key depression is equal to 1 word लिखा रहता है। लेकिन आप क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए इज लिखिएगा, इज, कभी आर लिखिएगा, आर लिखे, तो ये तो दो ही है, ये तो तीन ही है, तो ये इसमें जो ज्यादा की डिप्रेशन था वो इसमें आके मिलकर क्या होता है, मैनेज कर देता है। इसलिए एवरेज लिया जाता है कि 5 key depression is equal to 1 word। ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको कितना है, 35 इंग्लिश का करते हैं, तो 35 का स्पीड लाना है, 35 का स्पीड लाना है, तो आप क्या कीजिए, 5 key depression is equal to 1 word होता है, तो कितना वर्ड मारना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 5 5 जाए 25 5 3 जा 15 2 17, तो टोटल ये हो गया इतना वर्ड। और क्या करना है, 10 मिनट तक टाइप करवाता है ना, क्योंकि 10 मिनट का ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 1750 क्या करना पड़ेगा आपको, की डिप्रेशन टाइप करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना करना पड़ेगा, 1750 की डिप्रेशन टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए फिर 30 ले लीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 हुआ, अब प्लस 10 से 10 मिनट का है, तो कितना हो जाएगा, 1500 की डिप्रेशन करना पड़ेगा, मतलब जो आप की दवाइएगा वो 1500 टाइम्स और 1700 टाइम्स क्या करना है, की डिप्रेशन। जैसे कि मैं आपको बैक स्पेस की बात किया था, तो बैक स्पेस भी एमएस वर्ड में काउंट कर लेता है, लेकिन उसको वर्ड सिर्फ लेता है, बैक स्पेस को, मतलब सॉरी बैक स्पेस करें, स्पेस बार को हटा देता है, बैक स्पेस के बारे में आगे बात करते हैं, हटा देता है, सिर्फ वर्ड को काउंट करता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इतना वर्ड मारते हैं तो आप बाउंड्री पे है, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री पे इतना कम से कम तो लाना ही है, लेकिन आपको हमेशा इससे ज्यादा टाइप करना है, क्योंकि आप गलती करेंगे ही। ठीक है दोस्तों, गलती करेंगे तो मिस्टेक काउंट करना है। देखिए सीआईएस जब हम उस समय एग्जाम हो रहा था, तो वहां थे, तो बात किए थे, तो उन लोगों को जो बताया गया था, ठीक है, जो हमें उन्होंने बताया था, क्योंकि मैं खुद नहीं दिया था, इस वजह से मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं, और जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे, वहां पे हम बात करेंगे कि मैं खुद दिया था, वहां कैसे काउंट हुआ था, ठीक है, मैं क्या मिस्टेक किया था, वो सारी चीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो वो उन्होंने बताया था कि अगर आप वन वर्ड मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरह वन वर्ड करके इसका 5%, मतलब 300 टोटल अगर वर्ड में काउंट कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 350, अगर इसको 10 मिनट में लीजिएगा, देखिए 1 मिनट में 35 करना है, तो 10 मिनट में कितना करना है, 350 वर्ड करना है। ठीक है दोस्तों, 350 वर्ड करना है टाइप, अगर आप 350 वर्ड टाइप कर लेते हैं, इसका निकालिए कितना, 5% निकालिएगा, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 17.5। ठीक है, तो इसका 5% जो है मिस्टेक माफ कर दिया जाता है, मतलब क्या कि आप अगर उसके बारे में भी समझ लीजिए, जैसे आप 350 टाइप किए हैं और इसमें आप 17 मान लीजिए 18, ठीक है, 18 अगर मिस्टेक किए, इतना ही टाइप किए और 18 मिस्टेक कर दिए, तो आप फेल माने जाइएगा, क्या कीजिएगा, फेल हो जाइएगा, आप फेल माने जाइए, क्यों, क्योंकि जो आप मिस्टेक किए हैं ना वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे 368 होना चाहिए, तब आप 18 किए हैं तो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि 5 point, यहाँ पे मान लिए 17.5 किए हैं तो आप पास है, क्या है, तो आप पास है, नहीं तो आप फेल माने जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ क्या की थी हम लोग के साथ, जब हम बीएसएफ का एग्जाम दिए थे, उस समय क्या था उसके शेड्यूल में, अगर आप 350 ही वर्ड टाइप किए, अगर आप 350 वर्ड ही टाइप किए हैं, अगर आप 17 वर्ड गलत भी किए हैं तो भी आप पास है, क्योंकि वो माप का मतलब ये समझता है कि इसी में माप है। ठीक है, लेकिन सीआईएसएफ ऐसा नहीं मानता है। ठीक है, सीआईएसएफ को एक्स्ट्रा चाहिए, गलती जो है वो 350 मारने के बाद अगर 17 ज्यादा गलती किए तो आपको निगेटिव नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए 17 के बाद 18 भी हो जाता है आपको, मतलब 0.5 भी हो जाता है, तो आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए अगर 1 ज्यादा है तो 5 से, फिर 5 वर्ड कम जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह करके मिस्टेक काउंट करता है। अगर मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल बता देते हैं, एग्जांपल में मान लीजिए कि आप गए 2000 की स्टॉक मार दिए, ठीक है, धराधर 2000 मार दिए की स्टॉक, ठीक है, या की डिप्रेशन भी बोलिए, ठीक है, या की डिप्रेस कर दिए, डिप्रेस मतलब टाइप कर दिए उसमें,
तो इसको क्या कीजिए, 5 से डिवाइड कर दिए। 5 से डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा दोस्तों। 400 आ गया, 400 में आप मान लीजिए कि दोस्तों वीडियो कट गया था, ठीक है, चलिए फिर से दोहरा देते हैं। जैसे 2000 में 5 से डिवाइड करने पे आपको कितना आया, 400 वर्ड आया। मान लीजिए आप क्या 400 में 10 मिस्टेक कर दिए, ठीक है। ये कब आया, जब आप 10 मिनट का टाइप किए, 10 मिनट का टाइप किए तो क्या आया, 400 आया, ठीक है। इसमें से आप 10 वर्ड मिस्टेक कर दिए, ठीक है, टोटल 400 वर्ड था, 10 मिस्टेक कर दिए। अब देखिए हम क्या बताए थे, 400 का 5% निकालिए, 400 का 5% निकालिएगा क्या हो गया, 20। आपको CISF 20 वर्ड माफ कर देगा, ठीक है दोस्तों, CISF 20 वर्ड माफ कर देगा। आप कितना गलती किए, 10 गलती किए, तो निगेटिव ज्यादा नहीं कटेगा ना, जो पेनाल्टी लगना था वो तो नहीं लगेगा दोस्तों ना। तो देखिए, तो आप ये 10 वर्ड जो था माफ, 20 वर्ड में 10 वर्ड था, तो 10 वर्ड को क्या करेगा आप, CISF 400 माइनस 10 वर्ड कर देगा, कितना आ जाएगा, 390 हो गया। 390 में क्या करेगा दोस्तों, 390 में 10 से डिवाइड कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ गया, 39 WPM, WPM इट मींस वर्ड पर मिनट। आपका नेट स्पीड या एक्चुअल स्पीड विथ एक्यूरेसी कर सकते हैं, कितना आ गया, 39 का आ गया, ठीक है। तो आप इजी में भी पास है, बताइए दोस्तों, हल्का है ना पास करना इसको, हाँ, क्योंकि अगर आप 20 गलत आपको माफ कर देता है, अगर 400 मारते हैं तो, ठीक है, जिस हिसाब से 350 से ज़्यादा मारना ही है, गलती करते हैं वो गलती को माइनस करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, दिल्ली पुलिस के लिए मैं आपको कितना स्पीड लाने पे कितना मार्क्स मिलेगा, जैसे कि आप अगर 25 मांगते हैं तो 25 से कम है, जैसे कि हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले अगर 25 से कम लाते हैं तो वो फेल माने जाएंगे, इंग्लिश वाले 30 से कम लाते हैं तो वो फेल माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई मानेंगे, ठीक है। अगर 25 लाते हैं या 25 से ऊपर लाते हैं तो कितना मार्क्स मिलेगा, 50 स्पीड ला लेते हैं, 60 स्पीड ले आते हैं तो कितना स्पीड आएगा, उस सारे के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अब चलते हैं, मैं आप लोग को थोड़ा टाइप करके दिखा देता हूँ, टाइप कैसे करना है दोस्तों, क्योंकि अक्सर मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार कि जो भी पेपर हम लोग वहाँ आप लोग को ऑफलाइन बोला जाता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर लिया जाता है। स्क्रीन का मतलब क्या, आप जो है ना, आपको एक क्या दिया जाएगा, PDF दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा, ठीक है, आपको टाइप स्क्रीन पे करना होगा। ऑफलाइन का मतलब पहले टंकन पे होता था, ठीक है दोस्तों, टंकन पे होता है। एक ऑनलाइन का मतलब होता है कि स्क्रीन पे देखो और स्क्रीन पे ही टाइप करो, जैसे कि हमको बैंक नोट प्रेस में लिया था, बेल्ट्रॉन में लिया था, उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि स्क्रीन पे ही रहता है, उसमें पहले से ही PDF फिट रहता है और आप उसको टाइप कीजिएगा तो वो मैच कर लेता है कि आप कितना गलती किए और कितना सही किया, और उसी समय आपको रिजल्ट दे देता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, आपको CISF में किया जाता है, एक PDF दिया जाता है और उस PDF को आपको देख के टाइप करना है कंप्यूटर स्क्रीन पर ही, और लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा तो गलत हो जाएगा, तो आपको PDF पर ही देखना रहता है, ठीक है। उसमें क्या PDF में क्या देखा गया है सो मैं बता देता हूँ, उसमें शुरुआती जो वर्ड होता है थोड़ा जो है की स्टॉक में 4+ ही वर्ड देने की, जो लेटर है, वर्ड नहीं बोल सकते, लेटर जो है, लेटर 4+ लेटर का वर्ड देखने को मिलता है, कभी कभी तो 8 देखने को मिल जाता है, कभी कभी 9 भी देखने को, मतलब ये कह सकते हैं कि शुरुआती जो लेटर होता है इस तरह डिजाइन किया जाता है, थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, हो सकता है दूसरे लोग एग्जाम दिए होंगे उनको अलग अलग देखने को मिला, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है, अक्सर एग्जाम दिए हैं उसमें यह देखने को मिला थोड़ा बड़ा। जब आप फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद देखिएगा आपको एज यूजुअल छोटा छोटा वर्ड रहता है, तो आप वहाँ भी बड़ा बड़ा कभी कभी रहता है, लेकिन मतलब ऊपर के अपेक्षा नीचे आसान टाइप करने में लगता है। तो आपको पहली काम क्या करना है कि ऊपर वाला पूरा ध्यान से धीरे धीरे टाइप कीजिए। अगर आप शुरुआत में गलती नहीं करते हैं तो आपका माइंड ठीक है, क्योंकि माइंड का गेम है, टेक्निकल चीज़ है, कभी भी गलत हो सकता है, ठीक है। अपने माइंड को अस्थिर करके रखिए और टाइप कीजिए धीरे धीरे शुरुआत में। उसके बाद क्या कीजिए कि आप नीचे जैसे जैसे जाइए स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे, ऊपर में अगर गलती आप नहीं करते हैं तो बाद में गलती होने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है, 90% सही होने का चांस रहता है, ठीक है, 10% है कि गलत हो सकता है। एक्यूरेसी हमेशा मेंटेन करके रखिए, आप जरूर पास कर जाइएगा। चलिए दोस्तों हम आपको टाइप करके दिखाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पता नहीं कैसा लगेगा, लगा आप लोगों को, सीखने को मिला या ना मिला, कमेंट करके बताइएगा क्या कि सीखने को मिला या ना मिला, अगर इसमें क्या कमी रह गया उस कम, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो क्या कमी रह गया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए
और नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे मैं अपने रिटन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, टाइपिंग का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और बहुत सारे मैं मेडिकल का एग्जाम भी दे चुका हूं, तो मेडिकल के बारे में भी बता सकता हूं कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, सारा चीज़ मुझे एक्सपीरियंस में बता सकते हैं। चलिए आप क्या करते हैं, टाइपिंग करके देखते हैं कितना आता है स्पीड दोस्तों। चलिए पता नहीं कितना आएगा, देखते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे कीजिए और उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। चलिए बात कम करते हैं, फिर टाइप करने के बाद देखते हैं स्पीड कितना आता है, फिर बात करते हैं, क्योंकि बात करेंगे तो गलती होने की चांस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिए, लास्ट में बात करते हैं। देखिए दोस्तों तो कितना है, 55 का स्पीड है, 100% एक्यूरेसी है, 0 गलती है और 55 करेक्ट वर्ड है। देखिए दोस्तों मैं एक दो जगह पे बैक स्पेस भी यूज़ किया हूँ, CISF में बैक स्पेस यूज़ करने का अलाउ है, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, CISF, BSF, ITBP इन सभी में अलाउ है, सिर्फ CRPF ही क्या करता है, बैक स्पेस लॉक करके रखता है अपना। ठीक है दोस्तों, आप इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जैसे मेरा नाम चंद्र प्रकाश है तो आप क्या कीजिए, अपना नाम, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, हम चंद्र प्रकाश टाइप कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप सबमिट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर हिंदी वाले जो लोग हैं उन्हें भी देखना है तो मैं उनके लिए भी इसी तरह टाइप करके बता दूंगा, और आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम आप जो लोग पास कर जाइएगा उनको हम ऐसा टिप्स देंगे कि, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम पास करने का, कई बार एग्ज़ाम पास किए हैं रिटेन और प्लस टाइपिंग दोनों, क्योंकि रिटेन पास कीजिएगा तभी टाइपिंग के पास पहुंचिएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है कैसे टाइप करना है, एक दो बार नहीं कई बार पास किए हैं, जैसा कि हम आपको एग्ज़ाम में भी गिना, पहले भी एग्ज़ाम गिना दिए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन पक्का मिलेगा, और अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको, जब आप लोग क्या कीजिएगा एग्ज़ाम पास कर लीजिएगा उस समय आप इसका महत्व देखिएगा कि सचमुच इसमें वहाँ पे उसका जरूरत होगा, तो मैं आप लोगों को उस समय सारा डिटेल्स बताऊंगा कि वहाँ पे कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।